जिनके हमारे साथ आने की वजह से इतना उत्साह जोश है। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जो समर्थन जुट रहा है, मैं सबसे पहले रामाचल राजभर जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं और साथ ही साथ लालजी वर्मा जी, ये तो हमारे साथ जब से जुड़े हैं मैं ये कह सकता हूं कि अंबेडकर नगर में और आसपास के क्षेत्र में अब बचने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जब त्रिभुवन जी आ गए हो, त्रिभुवन जी पहले ही आ गए थे, त्रिभुवन दत्त जी, रामाचल राजभर जी, लालजी वर्मा जी और बगल के जिले के राम प्रसाद चौधरी जब साथ खड़े हैं तो बताओ सफाया होगा कि नहीं होगा। और ये जनसैलाब कोई ऐसा वैसा जनसैलाब नहीं है, ये जो जनसैलाब दिखाई दे रहा है ये इतिहास लिखने का काम करेगा। ये जनसैलाब इतिहास लिखने का काम करेगा। और मैं तो कहता हूं कि अभी मैं सुन रहा था भाषण, अभी भाषण में सुन रहा था, मैं अभी भाषण सुन रहा था कि क्या क्या हो रहा है, कैसी सरकार चल रही है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, इस बार चुनाव में पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होके रहेगा। इसलिए मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित रामाचल राजभर जी, लालजी वर्मा जी, राममूर्ति वर्मा जी, त्रिभुवन दत्त जी, शैलेन ललई जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदि दुर्गा यादव जी, बलराम यादव जी, अवधेश प्रसाद जी, पूर्व में रहे मंत्री शंखलाल मांझी जी, जयशंकर पांडे जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष राम सकल, विशाल वर्मा जी, अतर खान साहब, विधायक सुभाष राय जी, एमएलसी हीरा लाल जी और हमारे साथ आए कमलाकांत पप्पू राजभर जी, मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी साथी हैं, पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा जी हैं, गोपीनाथ वर्मा जी, अभय सिंह जी, एवाज से लेकर के सिद्धार्थ और बड़ी संख्या में समाजवादी साथी जो मंच पर हैं, दूसरे मंच पर भी हैं, बहुत सारे जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारे नेता साथी, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी हमारे समाजवादी साथी, और इस रैली का संदेश केवल अंबेडकर नगर में नहीं जा रहा है, ये अंबेडकर नगर के लोग तो आए हैं, दूसरे जिले के नहीं आए हैं, ये अंबेडकर नगर का संदेश केवल अंबेडकर नगर का नहीं है, यहां से संदेश जा रहा है पूरे देश में, प्रदेश में। और जब इस धरती पर आए हों, जिस जिले का नाम अंबेडकर नगर हो और इसी धरती से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निकले हैं, ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं, अगर इनकी विचारधारा के रास्ते पे निकल चलें तो जो सपना देखा था हमारे पूर्वजों ने, ये दोनों विचारधाराएं हमारे भारत के सपनों को पूरा कर सकती हैं। जहां हमें जाति धर्म में लोग बांट रहे हैं, जाति धर्म में अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, वहीं अगर हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान को समझेंगे
तो उन्होंने पूरे देश को एक कर करके एक ऐसा संविधान दिया। अगर उस संविधान पे चलें तो जो समता मूलक समाज का सपना देखा था उसको पूरा किया जा सकता है। आज जरूरत है इन दोनों की विचारधाराओं का। और अभी कुछ दिन पहले कोशिश की थी मैंने कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा एक हो जाए। ये दोनों नेता चाहते थे परिवर्तन हो। जिन्हें हजारों साल से निराश किया गया, जिन्हें भेदभाव में जीना पड़ा, उन लोगों के सम्मान के लिए कुछ किया जाए। वो कोशिश थी यहाँ समाजवादी लोगों की, लेकिन उस कोशिश में हम लोग सफल नहीं हुए। लेकिन मैं कह सकता हूं जिस समय से लगातार लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, दूसरे दलों को छोड़ करके आ रहे हैं, मैं अपने मंच पर बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप निराश न हो। आपने जीवन लगा दिया जिस विचारधारा को मजबूत करने के लिए। आपने अपनी व्यक्तिगत चीजों को नहीं देखा। अगर आपको पसीना बहाना पड़ा आपने पसीना बहाया, आपको त्याग करना पड़ा त्याग करके दिखा दिया, अगर कहीं खून भी देना पड़ा तो खून दे दिया। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं आज आप समाजवादी लोगों के साथ हैं। जो सपना आपने देखा था उसको पूरा करने के लिए हम समाजवादी लोग आपको सम्मान देने का काम करेंगे। मुझे याद है अंबेडकर नगर बहुत काम हुए समाजवादी सरकार में। ये टांडा में जो बिजली का घर बना है बड़ा खड़ा है, ये नहीं लग पा रहा था। उस समय मंत्री जी और उनके क्षेत्र का संखलाल माझी जानते होंगे, जो एनटीपीसी के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो आए थे। उन्होंने कहा कि हम जमीन नहीं पा पा रहे हैं जिसकी वजह से ये बिजली का कारखाना नहीं लग पा रहा है। उस समय प्रयास किया और प्रयास का परिणाम यह हुआ कि समाजवादी सरकार में आसपास का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लग करके खड़ा हो गया। ये हमारे राममूर्ति वर्मा जी जानते होंगे, जिस विभाग के मंत्री थे उस विभाग ने विभाग को सुधारने का काम किया। जहां उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में नंबर एक है और समाजवादी सरकार में कारखाने लगने लगे थे, अमूल उत्तर प्रदेश आना चाहता था, कोई मौका नहीं मिल रहा था, समाजवादी सरकार बनी और यही राममूर्ति वर्मा जी मंत्री थे। हम लोग अमूल का कारखाने उत्तर प्रदेश में लाने के साथ साथ जो आपका अमूल से पुरानी संस्था है पराग को भी जिंदा करने का काम समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया। न केवल दूध का उत्पादन बढ़े बल्कि हमारे गाय को जानवरों को पौष्टिक आहार कैसे मिल जाए उसको बनाने का भी कारखाना आपके अंबेडकर नगर में लगने का काम हुआ है। बिजली का काम, अगर सब स्टेशन लगाने का काम किसी साथी ने दिया होगा तो सब स्टेशन लगे हैं। हमारे मंच में बैठे नेता और जनता जानती होगी जिसके गांव के आसपास सब स्टेशन लगा है। बड़ी संख्या में सब स्टेशन लगना शुरू हो गए और एम्बुलेंस जो 102-108 एम्बुलेंस है, जब कभी किसी गरीब की जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस की तो वो फोन मिलाता है, उस एम्बुलेंस से मदद लेता है। ये समाजवादी सरकार की देन है। न केवल एम्बुलेंस से मदद मिल रही है, फोन पर एम्बुलेंस आ रही है, बल्कि दुनिया की बेहतरीन व्यवस्था भी समाजवादी लोगों ने चालू करने का काम किया था। 100 नंबर मिलाते थे, पुलिस मदद पे पहुंच जाती थी। वो इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया। लैपटॉप भी बटना शुरू हो गया था। जो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं उनकी मदद के लिए भी समाजवादी लोग आगे आकर के खड़े हो गए थे और बड़ी संख्या में नौजवानों को लैपटॉप बांटने का काम शुरू हो गया था। ये जिला है हमारे बुनकर भाइयों का,
हमारे बुनकर भाई जानते होंगे नेताजी ने जो बिजली का इंतजाम किया था, क्या उनको फिक्स रेट पे बिजली उपलब्ध होगी? जो काम शुरू हुआ था नेताजी की सरकार में, किसी सरकार ने नहीं रोका, वो काम और आगे बढ़ता चला गया। समाजवादी सरकार में और सहूलियत देने का काम हुआ, उनकी मदद हुई, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने उस इंतजाम को भी बंद कर दिया। अब आज फिक्स रेट हमारे बुनकर भाइयों को नहीं मिल रही है, धान खड़ा है खेतों में, सरकार कह रही थी आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन बताओ धान की आय कितनी हो रही है? कोई खरीदने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जहां सरकार हमारे किसानों की नहीं मदद कर रही, वहीं राइस मिल मालिकों की भी कोई सुध नहीं ले पा रहा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं आपके सामने, क्योंकि समाजवादी लोगों ने काम कर करके दिखाया था, समाजवादी लोगों ने जनता को जोड़ करके जनता के बीच में खुशहाली कैसे आए उस दिशा में काम करना शुरू किया था। और जब से ये सरकार आई है, जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, इसने जहां अन्याय बढ़ाया है वहीं हमारे किसानों को धोखा देने का काम किया था। किसान जो हमारी रीढ़ है, किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था को संभालता है, किसान जो हमारा अन्नदाता है, किसान जो हमें कपड़े पहनने को देता है, किसान जो हमारा पेट भरता है, उसके साथ धोखा और उसके साथ अन्याय अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कौन नहीं जानता कि किसान को कुचल दिया गाड़ी से? क्या हमारे लोग भूल जाएंगे? किसान भाई क्या ये बात भूल जाएंगे कि गाड़ी से कुचल दिया गया? और दो डबल इंजन सरकार ने नहीं, तीन इंजन वाली सरकार ने कुचलने का काम किया। दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार और जो लखीमपुर में हैं मंत्री जो सरकार के हैं, तीन तीन इंजनों ने किसान को कुचलने का काम किया। किसान को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, और जब तक ये सरकार में रहेंगे हमें कोई उम्मीद नहीं कि किसानों को न्याय मिल जाएगा। बताओ किसान भाइयों, आपसे वादा किया था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है क्या हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई है? यही बीजेपी के लोग लाल लाल सिलेंडर बांट रहे थे गांव में जाकर के, उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर दिए गरीबों को, हर गरीब को सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर बांटे जा रहे थे। बताओ आज सिलेंडर की कीमत क्या है? जो उज्ज्वला योजना है महंगाई के कारण उज्ज्वला योजना बन गई, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कभी कभी लाल रंग से घबराते हैं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लाल रंग से घबराते हैं। और जब से सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, बताओ जनता गुस्से में है कि नहीं है? और हमारे मुख्यमंत्री जी महंगाई कम करने के लिए हो सकता है सिलेंडर का नाम बदल दें या रंग बदल दें इसका। कौन भरवा पा रहा है सिलेंडर? यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि गरीब को हम हवाई जहाज में ले जाएंगे, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जा सकता है। पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया, अब आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती है, वो फैसले ले रही है सरकार। खाद महंगी, डीएपी मिल नहीं रही, जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए सरकार नहीं कर पा रही। क्या सरकार के हाथ में नहीं है चीजें? सरकार के हाथ में चीजें हैं,
जब से हारे तब से कीमत नीचे आने लगी है। अभी कुछ प्रदेशों में हारे हैं, कीमतें नीचे आ गई हैं। उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे तो कोई कीमतें और नीचे आ जाएंगी। इसलिए चुनाव जहां आपका हमारा है, वहीं महंगाई को भी नीचे लाने का है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, आए तो हो सकता है टांडा के बड़े हुए प्लांट का नाम ना लें। टांडा में बिजली का कारखाना लगा है। हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा पत्रकार साथियों कि ये कौन सा प्लांट लगा है। हो सकता है वो नाम ले दें लेकिन आपसे नाम नहीं बोलेंगे। ये प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल लगा है एक यूनिट का। ये बिजली दे रहे हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बताओ गरीबों, बिजली का करंट लगा के नहीं लगा? बिजली का करंट लगा है कि नहीं लगा है? बिजली महंगी हो गई कि नहीं महंगी हो गई? ये जब बिल आता है तो हमारे गरीबों को करंट मारने का काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जहां समाजवादी सरकार ने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, नए नए ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई, सब स्टेशन बनाए, वहीं अगर हमें गरीबों को कोई राहत देनी पड़े तो राहत देने का काम करेंगे। जहां बुनकरों को वैसी की वैसी व्यवस्था देंगे, वहीं हम अपने गरीबों को और मदद करने का और राहत देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उस संविधान से हमारा देश चले, उस संविधान से हमें हक और सम्मान मिले। इन्होंने गरीबों से वोट लिया, बीजेपी के लोगों ने उद्योगपतियों से नोट लिया और जो हमारी सरकारी संपत्ति थी उन पर चोट पहुंचाने का काम किया और एक एक कर करके उन सरकारी संपत्तियों का बेचने का काम हो रहा है। तो सोचो, ये सरकारी संपत्ति जब बिक जाएंगी तो जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना दिखाया था, जो अधिकार की बात थी, हक की बात थी, वो हक और सम्मान कौन देगा हमें और आपको? इसलिए संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और जब सबसे ज्यादा जनता को जरूरत थी मदद की, यही सरकार में बैठे हुए लोग जब गरीब और हमारे किसान, गांव में रहने वाले लोग जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, इस सरकार ने उनको अनाज छोड़ने का काम किया था। याद कीजिए वो कोविड का समय, जिस समय लॉकडाउन था, कोई निकल नहीं सकता था, कोई अगर निकलता था तो उसे लाठी मार करके घर में भेज दिया जाता था। लोगों को अपनामित कर रहे थे और सरकार की जो कोशिश थी कि सरकार जो मदद करे, उस मदद में सरकार सामने नहीं आई। हमारे तमाम गरीब जिन्हें दवाई मिल जाती समय पर, अस्पताल में बिस्तर मिल जाता समय पर और समय पर ऑक्सीजन मिल जाती तो हमारे गरीबों की जान नहीं जाती, बड़े पैमाने पर लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया, जिसके कारण न जाने कितने लोगों की जान चली गई, जान गई लोगों की। और केवल जान ही नहीं गई, जिन लोगों को सम्मान से अपने परिवार का दाह संस्कार करने का मौका मिलता, उन्हें उन लोगों को वो इंतजाम भी सरकार नहीं दे पाई। न जाने कितने लोगों को गंगा में ऐसे ही बहा दिया गया, लाशें बहा दी गईं। दुनिया में अगर किसी ने बदनामी कराई है भारत की, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत की बदनामी कराने का काम किया। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं,
ये गरीब पिछड़ों को धोखा देकर के सरकार में आए हैं। इन्होंने 5 साल जो अभी हो जाएंगे उसका हिसाब किताब नहीं देना चाहते हैं। आज भी ये सरकार शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, और 4.5 साल बनने के बाद भी, इतना समय गुजर जाने के बाद भी ये अपना काम नहीं उद्घाटन कर पा रहे हैं। जो काम समाजवादियों ने शुरू किए थे, जो काम समाजवादियों ने दिए थे, वही उद्घाटन हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, हालांकि यहां से थोड़ा दूर है, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े विकास का रास्ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो गाजीपुर, आपका आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ को जोड़ता है। ये सबसे बड़ी सड़क समाजवादियों ने दी, वो बन करके तैयार है, बन करके तैयार है। सुना है उसका उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये सड़क, ये प्रगति की, विकास की, खुशहाली की सड़क है, जो समाजवादियों ने सपना देखा था। समाजवादी सरकार होती तो कम समय में पूरा हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई जितनी आगरा से लखनऊ सड़क अच्छी बनी है। हम तो उसमें भी चले हैं, आगरा लखनऊ सड़क पे भी चले होंगे लोग, और ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक सड़क है, उसमें भी लोग चले होंगे। आगरा लखनऊ सड़क इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी बनी है कि अगर उस सड़क पर आप पानी का गिलास लेकर के चलोगे और अगर चाय पीते हुए जाओगे तो 100 की रफ्तार से भी आपके गिलास का पानी नहीं गिरेगा, चाय के कप से पानी नहीं हिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने जो सड़क बनाई है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। अगर आप, आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, रफ्तार अगर आपने बढ़ा दी, अगर आपने रफ्तार अपनी गाड़ी की बढ़ा दी, तो हो सकता है कमर दर्द कर जाए और पेट दर्द कर जाए, वापसी में आपको डॉक्टर से इलाज कराना पड़ जाए। और गलती से अगर आपने कप चाय का ले लिया, पानी का गिलास ले लिया, तो हो सकता है आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़े, दोबारा आप कपड़े उनको नहीं पहन पाओगे। मैं कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो सड़क आगरा लखनऊ से भी बेहतरीन होती। मैं जानना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री को बड़ा शौक है बुलडोजर चलाने का। जिस समय बुलडोजर चलना था सड़क पर, आप बुलडोजर नहीं चला रहे थे, क्या कर रहे थे ये पता ही नहीं है, क्या कर रहे थे पता ही नहीं है। और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता, और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता तो आगरा लखनऊ से बेहतरीन सड़क होती हमारे पूर्वांचल के लोगों की, लेकिन आपने बुलडोजर वहां नहीं चलाया। ये हमारे कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं, जहां जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के हैं, जो काम जहां करना चाहिए वो नहीं करते, जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं। आज हमारे नौजवानों का भविष्य बनाने का समय है, इन नौजवानों के सपने पूरे होने का समय है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री नौकरी रोजगार की तरफ नहीं देख रहे। समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में है आज मोबाइल, उनके हाथ में। समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं,
काम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री आज भी धुआं उड़ा रहे हैं। अपने अपने संकल्प पत्र में लिखा था उन्होंने कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, डाटा दे देंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज को वाईफाई कर देंगे। हम जानना चाहते हैं इतना समय गुजर गया है, ना आपने लैपटॉप दिया, ना वाईफाई किया, ना डाटा दिया, और अब कह रहे हैं कि टैबलेट देंगे। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप, कौन सी टैबलेट बढ़ रही थी? इसलिए जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। आज मोबाइल से दुनिया की जानकारी हासिल की जा सकती है, आज मोबाइल से हम दुनिया के बारे में जान सकते हैं। पूरी दुनिया सिकुड़ करके मोबाइल पे आ गई है। हमारे नौजवान जानते हैं जो थोड़ा बहुत संपन्न है, मोबाइल से दुनिया की जानकारी हासिल की जा सकती है, आज मोबाइल से हम दुनिया के बारे में जान सकते हैं। पूरी दुनिया सिकुड़ करके मोबाइल पे आ गई है। हमारे नौजवान जानते हैं जो थोड़ा बहुत संपन्न है वो मोबाइल से ही कारोबार कर लेते हैं, कुछ सामान मंगा लेते हैं। अगर कस्बे हैं, बड़े कस्बे हैं, वहां पर मोबाइल से फोन करना नहीं है, केवल संदेश भेजना है और आपको खाने से लेकर के सब चीजें उपलब्ध हो जा रही हैं। ये परिवर्तन आया है, चीजें बदली हैं। इसलिए नौजवान साथियों, आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता, क्योंकि लैपटॉप चलाना नहीं जानता इसलिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का नहीं काम किया। कौन मान लेगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? अरे हम तो कहते हैं एक दिन हो जाए, लैपटॉप लेकर के आओ, बुलडोजर लेकर के मत आओ, लैपटॉप लेकर के आओ। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। इसलिए नौजवान साथियों, आपके भविष्य का चुनाव है। आपका भविष्य कैसे बेहतर बने, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हम जाते हैं दिल्ली में, बड़े बड़े विज्ञापन लगे हैं, नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया। दिल्ली के लोग समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल गई है, रोजगार मिल गया है। बताओ नौजवान साथियों, अंबेडकर नगर के लोगों, इनका कौन सा बड़ा काम है जो आपके जिले में हुआ है? कौन सा बड़ा फैसला है जिससे आपका जीवन बदला है? दिल्ली में तो लगा दी होर्डिंग कि नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। बताओ नौजवानों, खड़े हो कि तुमको नौकरी और रोजगार मिल गया? ये आपके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके सपनों को मार रहे हैं, आपके भविष्य से खिलवाड़ हो रही है। बताओ इस भारतीय जनता पार्टी का इस बात सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और हमारे बुनकर भाई हो, आपकी बिजली महंगी कर दी, बिजली का बिल आ रहा है, करंट लगता है, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ये जो महंगाई बढ़ी है खाद की, डीएपी की, सिलेंडर की, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और हमारे अटेवा वालों, बताओ तुम्हारी पेंशन को खत्म करने वाले कौन लोग हैं? किन्होंने खत्म की थी बताओ? आवाज नहीं आ रही है, बताओ किसने खत्म की थी तुम्हारी पेंशन? बताओ उसका सफाया करोगे कि नहीं करोगे? जहां हम गरीबों को राहत बिजली की देंगे, वहीं हम इनकी भी मदद करने का काम करेंगे। ये पेंशन वाले के रास्ता निकालेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग? इसलिए भविष्य का चुनाव है आपका भी। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया इन्होंने। आज उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है, जो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। इन्होंने डबल इंजन की सरकार वालों ने
सरकार नहीं चलाई, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई, नौकरी छीने, रोजगार छीन लिए। और याद करो नौजवान, जो इतिहास के स्टूडेंट होंगे, इस देश में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कारोबार के नाम पर, बहुत सी कम चीजों का कारोबार करती थी, काली मिर्च का, मसालों का, कॉटन का, वो कंपनी आई कारोबार करती रही। और वहां पर एक फैसला हुआ, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक फैसला हुआ, एक कानून बना, और वो कंपनी जो कारोबार कर रही थी वो सरकार बन गई। बताओ साथियों, इतिहास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और मैं कहता हूं ये पलट करके, पढ़ करके देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एक भारत में, और ब्रिटेन में एक कानून पास हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और आज जो फैसले ले रही है सरकार, एक एक कर करके हमारी सरकारी कंपनियों को बेच रही है, सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं प्राइवेट कंपनियों को। तो सोचो, एक एक कानून ने सरकार बना दिया, और ये लगातार ऐसे कानून पास कर रहे हैं कि हमारे देश को कंपनी बना दे रहे हैं। तो कंपनी जब बन जाएगी तो हमारे अधिकारों का क्या होगा, हक का क्या होगा, सम्मान का क्या होगा? इसलिए चीजें बेच रहे हैं, ये उद्योगपतियों के हाथ में खेल रहे हैं। याद कीजिए वो नोटबंदी का समय, जिस समय नोटबंदी लागू हुई थी, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि नोटबंदी के बाद ना काला धन बचेगा ना भ्रष्टाचार होगा। कितना समय गुजर गया, कितना समय गुजर गया। आज जिस दिन हम लोग, आप लोग बातचीत कर रहे हैं, पुराना याद कीजिए, 8 की रात को ही नोटबंदी हुई थी, याद है कि नहीं है? याद है। और बीजेपी ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। कितने साल गुजर गए, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? जो बाहर काला धन चला गया था, कितना काला धन वापस आ गया? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर का पता नहीं क्या कर दिया, 100 से 112 कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस भी ठीक थी, लेकिन जब से 112 हुआ है पुलिस को पता नहीं क्या हो गया है, जाने क्या हो गया। और इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, वो बताएं कि 100 नंबर को 112 कर खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, अगर कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा कहीं हो रही है, कहीं गरीब की जान पीटते पीटते पुलिस ले रही है, अगर कहीं भी देश में सबसे ज्यादा जान गई है गरीबों की, तो वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर पुलिस के पीटने की वजह से, अन्याय की वजह से जाने गई हैं, लोग थाने में मर गए, कोर्ट कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। मानवाधिकार ने सबसे ज्यादा अगर किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है। और जो ठोको नीति चलाते थे, जो ठोको ठोको कहते थे सुबह से लेकर शाम तक, बताओ उनके सांसद लोग कूटे जा रहे हैं कि नहीं कूटे जा रहे हैं? जो कहते थे ठोको, पता ही नहीं कौन किसको ठोक रहा है, जिसकी मर्जी है वो उसको ठोक रहा है, ये कानून व्यवस्था है? ये कानून व्यवस्था है क्या कि बताओ गृह राज्य मंत्री की बेटे ने किसानों पर गाड़ी चला दी हो, ये कानून व्यवस्था है क्या? और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, पता लगा है कि फतेहगढ़ जेल में कैदियों को नहीं पता था किसको ठोकना है, तो जेलर को ठोक दिया उन्होंने, ये कानून व्यवस्था है? सबसे ज्यादा किसानों की जान चली गई, कोई मदद करने वाला नहीं है,
मजदूर पैदल चलते चलते घर पहुंच गए, जान चली गई, किसी की मदद नहीं की। इसलिए उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना इनसे, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर दोबारा लाने का काम हम लोगों को करना है। बताओ अंबेडकर के नगर के लोगों, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले चलोगे कि नहीं ले चलोगे? तो अगर ये आक्रोश है ऐसे आपके अंदर, अगर ये आक्रोश है आपके अंदर, तो बदलाव भी आएगा। और मुझे यकीन है आप पर, ये झूठ के फूल अब बचने वाले नहीं हैं, झूठ के फूल का सफाया होने वाला है उत्तर प्रदेश से। इसलिए एक बार फिर मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थन में लोग आ रहे हैं। इतना समर्थन समाजवादी पार्टी को पहले कभी नहीं मिला जितना समाजवादी पार्टी को इस बार समर्थन मिल रहा है। इतना समर्थन, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़ी संख्या में नेता समाजवादी पार्टी में कभी नहीं जुड़े। इस बार हमें खुशी है कि हर वर्ग के लोगों का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है आज, और उसका परिणाम यह है कि आज आपके साथ राम अच्छा राजभर जी आ गए हैं। उसका परिणाम यह है कि लालजी वर्मा जी, जो बड़े नेता भी हैं, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया बहुजन समाज पार्टी में जुटे रहे बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी आज आपके साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुट गए हैं। आपके साथ त्रिभुवन दास जी आ गए, और बस्ती के बड़े नेता भी आपके साथ हैं। तो बताओ कौन कहता है कि समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है? जनता चाहती है बदलाव, जनता बदलाव चाहती है। और अभी जब मऊ में कार्यक्रम हुआ था, लाल और पीले एक साथ हो गए, लाल पीलों को एक साथ देकर के दिल्ली लखनऊ में लाल पीले हो रहे थे लोग। जो लोग हमारी लाल टोपी को देख के लाल होते हैं, लाल टोपी को देख करके लाल होते हैं, अब सिलेंडर को देख करके क्या करेंगे ये बताओ? हमें लाल लाल सिलेंडर है, इसका भी नाम बदलेंगे क्या? अच्छा हुआ हाल फिलहाल मुख्यमंत्री जी यहां नहीं आए, नहीं तो कहीं किसी का नाम बदल देते। और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे, कोई नाम अगर बदलवाना हो तो हमें बता देना, हम कह देंगे नाम बदल दें। इसलिए इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ, ये जोश और उत्साह बना रहेगा, ये जय सरकार के खिलाफ आपका गुस्सा आक्रोश बना रहेगा, और जब वोट पड़ेगा तो सोचो साइकिल की रफ्तार क्या होगी इस बार। जब हम सड़क बना सकते हैं, जब सड़क बना सकते हैं 100 से ऊपर चलने वाली, और कई लोग ऐसे हैं हम जानते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार देखी होगी, रफ्तार भी चेक कर ली होगी कितनी जा सकती है। ये जो एक्सप्रेसवे बना है ये समाजवादियों ने, तो इसलिए हो सकता है जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें भी हरा दे, और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 400 सीटें भी जीत जाए। कौन इनके साथ खड़ा है? जब किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, व्यापारी नाराज है, अगड़े नाराज हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा दोनों एक हो गई हो, तो बताओ ये कैसे बचेंगे उत्तर प्रदेश से? और शिक्षक नाराज हैं, ये पुरानी पेंशन किसी ने छीनी तो भाजपाइयों ने छीनी आपकी, याद है कि नहीं याद है आपको? आज ऐसे लोग हैं जिन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है, ये जितनी भी अच्छी योजनाएं थी सबको रोक दिया इन्होंने। गरीबों के लिए एम्बुलेंस थी, आज एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है।
सौ नंबर की व्यवस्था थी, इसको खराब कर दिया। बड़े बड़े वादे किए थे कि हम गंगा सफाई कर देंगे, बताओ मां गंगा कितनी साफ हो गई है? नहीं साफ है, सफाई तो दूर। ये जो घाघरा बह रही है इसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। जब कभी पानी आ जाता है हमारे गरीबों को बहा ले जाता है, उनका नुकसान कर देती है। सफाई तो दूर, हमारे गरीबों की मदद नहीं कर पा रही हैं। इसलिए आज मंच से मैं कह सकता हूं कि पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, बदलाव होके रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर रामाचरण राजभर जी को, लालजी वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और हम भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी में उनका पूरा सम्मान होगा। वहीं हमारे मंच पर कमलाकांत उर्फ पप्पू राजभर भी हैं, जिनके पिताजी हमारे बीच में नहीं रहे, आखिरी समय पर वो हम लोगों के साथ उनको छोड़ के गए हैं। हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि उनका भी पूरा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर हम लोगों ने कोविड में